के तो ही उल्टा कपड़ा पहने, तब भी मैंने बोला है तुमने टी शर्ट अपना उल्टा पहना, उसको सीधा करो। हाँ माँ, खाके करता हूँ माँ। हाँ माँ, एक मिनट माँ। लाडो हमारे उठ चुके हैं, अभी बैठे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम बैठती हैं, फिर ब्रश करेंगी, फिर इनका तैयारी हो जाएगा ट्यूशन का। तो इनके लिए दूध मैंने निकाल दिया है और साथ में किचन का भी काम चल रहा है। आज चने की दाल बनने वाली है किचन में, तो उसकी तैयारी मैंने कर लिए हैं। अदरक लहसुन मैंने कूट के रख दिए हैं, टमाटर काट लिए, प्याज मिर्चा सब कुछ काट के, जीरा हींग डाल के, तो दाल मैंने पका ली है पहले से ही और सिर्फ ऐसे तड़का लगा के। और बहुत सिंपल तरीके से फ्रेंड्स बना रहे हैं कि जैसे जो भी है जीरा हींग सिर्फ ऐसे तड़के में ही डाल रहे हैं, मिर्चा लहसुन सब चीज़, थोड़ा टमाटर गला लेंगे प्याज के साथ थोड़ा हल्के गैस पे। उसके बाद दाल हमारा रेडी है, जो कि इसको भी अच्छे से पकाया है क्योंकि कड़क रहता है तो फिर वो जल्दी से मिलता नहीं है, बहुत मतलब खड़ा खड़ा दिखता है और नुकसान भी करता है चना दाल। इसके लिए अच्छे से पका रहना बहुत ज़रूरी है और उसमें हींग तो बहुत ही ज़रूरी है डालना। तो ये आप देख सकते हैं मसाला रेडी है, अब इसमें दाल हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद भी इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए ऐसे कम गैस पे ही इसको थोड़ा सा उबालेंगे। तो धनिया भी हमने डाल दिया और बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ, चावल के साथ अगर घी हो तो बहुत ही अच्छा और टेस्ट बढ़ जाता है। और साइड में हमने चटनी का तैयारी कर लिया है, हम बनाएंगे चटनी जो कि थोड़ा डोसा का आटा अभी है तो हम सोचे चलो चावल दाल वो बनाए हैं और थोड़ा सा चटनी डोसा बना लेंगे। तो नारियल और अदरक लहसुन मिर्चा धनिया यही सब डालेंगे, थोड़ा सा इसमें अभी शिंगदाना भी ऐड करेंगे। इसको पहले हम दरबरा पीस लेंगे, आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर चला लिया एक बार। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे शिंगदाना, जो कि अखा शिंगदाना भुना हुआ हमारे पास नहीं था, जो हमने पाउडर करके रखा था सब्जियों में डालने के लिए वही हमने ऐड कर दिया और ये लोग का नाश्ता हो गया। लाडो अभी जा रही है ट्यूशन, हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और राज हैं अभी स्कूल। तो ये लोग चले जाने के बाद फिर मैं मेरा बाकी का काम निपटा लूँगी, क्योंकि सब लोग अगर घर में रहते हैं तो काम कम होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जितने लोग रहते हैं उतना काम कम होता है, जितने कम लोग रहते हैं घर में उतना काम ज़्यादा होता है। अभी लाडो की तैयारी कर रही हूँ मैं स्कूल जाने के लिए, तो कपड़ा जो है लाडो का आयन कर लेती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम रहता है अगर बाहर मतलब नहीं हुआ रहता है टाइम पे तो घर पे करना पड़ता है। और लाडो का फटाफट मैं सब तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि वो तो एक जगह बैठी रहती हैं, कुछ करेंगी नहीं अपने से, तो उनका टिफ़िन पैक करना, वाटर वाटर भरना, उनको अपने हाथ से खिलाना क्योंकि हाथ से खाती भी नहीं है, और रेडी करना, बाल बनाना, तो सब टाइम पे होना चाहिए। प्लस वीडियोस भी, जो भी अपना काम रहता है एडिटिंग करना। राज फिर आते हैं घर का बाकी काम, कोई आया गया, आपको कहीं जाना है तो सब साथ में मैनेज करना पड़ता है। अभी लाडो गई तो फिर राज आ गए हैं, राज का टाइम हो गया और ये आते हैं तो इनके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री हमारे घर में ज़रूर आती है, कोई ना कोई कहानी आते ही। लेकिन किसको तूने बताया होगा फुटबॉल आया है?
खुद ही कोल्ड वॉर बन गया। हाँ, टी शर्ट उल्टा पहना है सीधा। ठीक है पहले ये पकड़ो, मैं खाना निकाल लूँ, फिर सीधा करो। क्या है रहा है, साड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा मैम सुनो ना, आज मैच है क्या? अभी हम लोग आए स्कूल से तो अभी बहुत गर्मी है ना, तो सुबह के टाइम पे तो बहुत गर्मी रहती है, बहुत धूप रहता है ना, और रात के टाइम पे दिखता नहीं है ग्राउंड में। हाँ, और दोपहर में धूप है। हाँ तो दोपहर में धूप है, रात में दिखता नहीं है, सुबह भी धूप है ना, तो खत्म छुट्टी, वेकेशन जाओ। शाम में तो शाम में कहाँ जाना, तो ट्यूशन से आके ना। स्ट्रट्स पे मम्मी पता है दौड़ना ना आसान होता है, बट अगर बहुत ऐसे कट पिट लेके दौड़ेंगे ना तो जो पैर हम लोग का ना मुड़ जाता है। बस पानी लो। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हो गई है शाम, शाम में 4 बज रहा है अभी, और मैं सोच रही थी कि अभी साड़ी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ज्वेलरी भी मैंने डाला है वो थोड़ा हैवी लग रहा है, और सोच रही हूँ कि आज मैंने हेयर वॉश किया है तो थोड़ा सा हल्दी लगा ले, सॉरी दही लगा लेती हूँ। मेथी मैंने बहुत ढूंढा, मेथी मिला नहीं, नहीं तो मैं मेथी भी डालने वाली थी भिंगाने के लिए। पहले मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब वही ढूंढते रहूँ इसके लिए, फिर मैंने वो दिमाग से निकाल दिया। तो मैं सोची चलो दही ही बस लगा लूँगी, और मेहंदी वगैरह तो आज हमने भिंगाया नहीं है। और अभी 1 घंटे में लाडो छूट जाएगी स्कूल से, और राज अभी जा रहे हैं, आज ट्यूशन नहीं जा रहे, आज जाएंगे फुटबॉल खेलने, और राज भी राज सीधा कपड़ा पहने हैं। ओह सॉरी, नहा के तो ही उल्टा कपड़ा पहने, तब भी मैंने बोला तुमने टी शर्ट अपना उल्टा पहना, उसको सीधा करो। हाँ माँ, खा के करता हूँ माँ। हाँ माँ, 1 मिनट माँ। और अभी तक उल्टा ही है ना, जाओ निकालो खुद से। कौन सा तो अभी मैं बनाऊंगी चाय, और चाय पीऊंगी और लगाऊंगी बाल में हल्दी बाल में हल्दी लगाऊंगी, उसको थोड़ा आधा घंटा छोड़ूंगी, तब तक मेरी लाडो आ जाएगी, फिर उसका काम चालू होगा, फिर थोड़ा किचन का काम, फिर थोड़े से कपड़े, थोड़े से तो फ्रेंड्स बस पहले मैं बहुत काम रहता है, एकदम थक के एकदम बहुत खराब हो जाता है इनका तबीयत, यही बस काम कर करके बोल रहा हूँ मम्मी कहीं हम लोग को लेके चलो वाटर पार्क लो जगह पे, तो कहीं घूमने जाएंगे वाटर पार्क कहीं जाएंगे, तो फिर काम घर का नहीं करना रहेगा, तो घर का काम कर सकते बाद में, वाटर पार्क ही देखे चलो। मेरे भी फोटो खींचो। तो फ्रेंड्स फटाफट मैं मेरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं थोड़ा सा लाइव आई थी मोज पे, बट मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है उसका जो भी है, न उतने लोग कनेक्ट हो ही रहे हैं, जो भी है सच्चाई यही है कि थोड़े थोड़े लोग आते हैं जाते हैं, एकदम से वो जो जैसा मैं बाकी का लाइव देखती हूँ कि घंटों तक बातें होती रहती हैं, लोग कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, तो ऐसा मेरे लाइव में अभी कुछ नहीं। अभी मैं आज चौथा दिन था, मतलब कभी 10 मिनट कभी 20 मिनट कभी 5 मिनट, मतलब ना पेशेंस नहीं है उसके लिए, रुकने का भी दिमाग में चलता आ रही है इतने टाइम में मैं वो कर लूंगी ये कर लूंगी, तो कहीं ना कहीं उस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट पहले मैं चेंज करती हूँ और बनाती हूँ चाय, मुंह धोती हूँ, जितना भी मैंने जो भी ज्वेलरी पहना है पहले मैं फटाक से निकालती हूँ, इसके बाद चाय पीने के बाद हल्दी लगाती हूँ थोड़ा, उसको आधा घंटा रोक के फिर हेयर वॉश करती हूँ, फिर लाडो आएगी, बस वही रोज का काम, फिर ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो भी हम डालते हैं जो भी डालते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए प्लीज़, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। अभी इनका टाइम हो गया खेलने का, तो ये जा रहे हैं अभी खेलने, क्योंकि इनको फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, बहुत पसंद है, और क्लास लगाने के लिए भी बोलते हैं, बट
बहुत सारे रीजंस रहते हैं छोड़ने लाने का, वो सब एक जिम्मेदारी हो जाती है। इसके वजह से थोड़ा मैं डिले कर रही हूँ, करती हूँ रुको। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाया, और क्योंकि आज फास्ट है तो इसके वजह से मैंने पानी पिया। चाय अभी रखी हूँ, और पहले मैं अपना जो भी मैंने मेकअप किया है, मेकअप तो मुझे करने नहीं आता है, जो भी क्रीम पाउडर ऐसे लगाती हूँ, लिपस्टिक वगैरह, तो वो सब रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं फिर स्किन पे। तो मैंने वो क्लिंजर एक लिया था, तो वही मैं लगा के इसको टिशू से पहले मैं रिमूव कर लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी है, अपने स्किन का ध्यान देना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है वो हमारे हिसाब से बनाया है। किसी को बहुत सुंदर बनाया है, किसी को थोड़ा कम सुंदर बनाया है, तो उसमें कोई बात नहीं, बट जो भी ऊपर वाले ने दिया है उसका ध्यान देना तो बनता है। तो इस वजह से मैं निकाल दे रही हूँ, और वो भी एक रीज़न है कि जैसे साड़ी पहन के, और वो ब्लाउज़ अलग है और साड़ी जो है सिल्क था, तो मैं पहन के पूरा दिन नहीं रह सकती, किचन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि पानी का भी एक थोड़ा सा दाग लग जाता है, तो वो मतलब पानी का जैसे लगा निशान तुरंत दाग बन जाता है सिल्क पे। तो ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे मास्क लगाना है, स्किन पे लगाना है और बाल पे भी लगाना है। तो आज मैं बना रही हूँ हेयर मास्क और स्किन के लिए, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाय फटाफट पी लेती हूँ, और चेहरे पे हमने लगा लिया। तो एक ही पेस्ट हमने तैयार किया है, जो कि हमने दही और उसमें हल्दी डाला है, दही हल्दी डाल के, और उसमें जैसे आपको नींबू डालना है, शहद डालना है, ये ऐड आप कर सकते हैं, वो डाल के हमने ये पैक बना लिया है। और ये हमारा सूख गया, पहले तो देख सकते थे कि पहले अलग था और अभी अलग दिख रहा है। तो हमने ये लगा लिया है, आधा पौना घंटा एक घंटा भी आप इसको छोड़ के आप इसको वॉश कर लीजिए। बहुत अच्छा नुस्खा है, तो सबको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में। बाय।